तो गाइस आज है 3 दिसंबर और आज एक बात आपको बतानी है, लेकिन यार मैं एक्चुअली क्या है कि लेट हो गया थोड़ा सा। आज बात यह कि अपनी बाइक को कल 2 जनवरी थी, तो कल 2 जनवरी को अपनी बाइक को पूरे 2 साल पूरे हो चुके हैं। तो जनवरी 2 जनवरी 2022 को मैंने अपनी इस बाइक की डिलीवरी ली थी। तो आज कल यानी कल 2024 2 जनवरी 2024 को इसके 2 साल अब कंप्लीट हो चुके हैं। तो यार इतने टाइम में मैंने लगभग ऐसे आपको दिखाऊं तो यहाँ से 30,620 किलोमीटर मैंने अभी तक 2 साल में इस बाइक को क्लॉक कर दिया है, जिसमें कि मेरी 4 लॉन्ग ट्रिप तो नहीं कहूँगा कि, लेकिन लॉन्ग राइड जरूर शामिल है। वो मैं आपको बता दूंगा किसी और वीडियो में। बाकी 4 लॉन्ग ट्रिप बाकी मेरी कम्यूटिंग होती है, और जैसे जैसे मुझे मौका मिलता है मैं राइड पर निकल जाता हूँ, लॉन्ग ट्रिप पर और संडे राइड पर निकल जाता हूँ। तो कुल मिलाकर जो मेरा एक मेजर पोर्शन जो रहा है अपनी इस बाइक को लेकर, वो मेरा सिटी राइड भी रहा है। और बस आपको बताता हूँ, और एक और बात यार, इन 2 सालों में मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि यार मेरा जो डिसीजन था इस बाइक को लेने का वो कहीं गलत हुआ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। इन 2 सालों में 30,620 किलोमीटर के दौरान इस बाइक ने मुझे कभी भी डिच नहीं किया। सच में होंडा कुछ भी कहो और फैक्टर्स में ये बाइक आप रॉयल इनफील्ड से कह सकते हैं, या फिर किसी भी बाइक से कंपेयर करते हो कहीं ना कहीं आपको 18-19 लगे, बट अगर मैं रिलायबिलिटी की बात करूँ तो भाई इसका कोई भी तोड़ नहीं है होंडा। और जिस लिए होंडा जाना जाता है वो इस बाइक में वो दिखता है यार, ये बात श्योर है। तो यार तो गाइस मेरी सभी अर्ज है, रिक्वेस्ट है सभी होंडा CB350 राइडर से जो ओनर्स हैं, तो प्लीज़ यार अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, पर कितना टाइम हो गया, कितना किलोमीटर आपने क्लोक कर दिया और आपका एक्सपीरियंस अब तक कैसा रहा। और अगर यार फॉलो नहीं है तो फॉलो कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। तो अभी चलते हैं घर पर, बस आपको छोटी सी अपडेट देनी थी।